Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. समय को ये कैसे हम सब उम्मीद है हम सब है से होंगे वेलकम बैक टू अनदर व और आज का ब्लॉग है जी वीकेंड का और आउटिंग प्लस शॉपिंग का भी है तो आज के ब्लॉग में हमने क्या किया मैं आपके साथ शेयर करूँगी सबसे पहले तो हम लोग बच्चों को लेके गए थे पार्क में तो ये थोड़ा सा हमारे घर से करीब एक पार्क था वहाँ पर हम बच्चों को लेके गए यहाँ पर ये स्लाइड करे थे तो बेसिकली यहाँ पे था क्या कि ये एक मतलब दो तीन टाइप्स की स्लाइड्स बनी हुई थी यहाँ पे और एक सिर्फ स्विंग था तो तो वीकेंड था तो यहाँ पे ना काफ़ी रश था दूसरा ये जो स्लाइड्स थी काफ़ी हाइटेड थी मतलब आईजिल के हिसाब से बहुत हाइटेड थी तो वो थोड़ा डर रही थी इसके ऊपर और काफ़ी सारा रश था मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा थे तो उस वजह से भी वो डर रही थी कि पुश ना कर दें तो ये कि थोड़ा सा टाइम हमने यहाँ पर लगाया इनको लेकिन ये जल्दी बोर हो गई थी यहाँ पे तो उसके बाद थोड़ी देर इन्होंने स्विंग पे खेला और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से चले गए थे तो पार्क बड़ा अच्छा बनाया हुआ था इन्होंने बड़ी अच्छी ग्रीनरी सी थी और मतलब जैसे सर्दियाँ हैं तो सन सन बात के लिए तो बड़ी अच्छी जगह है लेकिन यह है कि बेंचेस वगैरह सिटिंग एरिया कोई कमी है बैठने के लिए और सिर्फ बच्चों के एक दो झूले लगे हुए थे तो फिर बस हम हम वहाँ से निकले और उसके बाद हम लोग जा रहे थे न्यू सिटी आर्गेट तो इतने टाइम में न्यू सिटी आर्केड का मेरा फ़र्स्ट विज़िट है मैं इससे पहले वहाँ पे नहीं गई थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ वहाँ का अपना एक्सपीरियंस और सारा कि हमने वहाँ पे क्या, क्या क्या किया तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे न्यू सिटी आर्केड में और यहाँ पे बस हमने पार्क की थी गाड़ी और उसके बाद हमने जाना था अंदर बेसिकली हमने बच्चों को प्ले लैंड में लेके जाना था तो हम यहाँ पे बस इंटर हो रहे थे इसके बाद हमने बच्चों के बनवाने थे कार्ड बनवाना था प्ले लैंड का क्योंकि पे हम फर्स्ट टाइम आ रहे थे तो इसका कार्ड नहीं बना हुआ था यहाँ के प्ले एरिया का कार्ड नहीं बना हुआ था तो यही जी इंट्रेंस और इसमें ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास जो है नर्ल्ड की टॉलेस्ट जो है ना इंडोर फाउंटेन है तो ये इनकी यहाँ पे थी इंट्री और इसके साथ बिल्कुल ये है जी फाउंटेन और ये आप देख सकते हैं कि वॉकी टॉलेस्ट फाउंटेन है लेकिन फ़ाउंटेन फ़िलहाल वर्किंग नहीं थी क्योंकि मे भी एक्सपेंसेस की वजह से ये शायद किसी टाइम पे इसको ऑन करते हो तो बस हमने यहाँ पे थोड़ा सा विज़िट किया था कुछ ब्रांड्स भी हैं यहाँ पर Uh, सारे तो नहीं लेकिन काफ़ी ब्रांड्स हैं बच्चों के भी काफ़ी ब्रांड्स हैं यहाँ पे और फूड आइटम्स भी हैं काफ़ी सारे तो हमने बस थोड़ा सा विज़िट किया था यहाँ पर uh, कुछ फ्लोर्स का एक दो फ्लोर्स का और उसके बाद हम बस बच्चों को ले गए थे प्ले लैंड में तो यहाँ पे बस हम जो है ना थोड़ा सा uh, चक्कर लगा रहे थे ये फ़र्स्ट फ्लोर है इनका और फर्स्ट फ्लोर पर ना यहाँ पर सईद गनी की शॉप थी सईद गनी किससे भी मैंने एक दो चीज़ें ली थी यहाँ से और वो इन मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी और बस यहाँ पे सारा जी आप देख सकते हैं किस तरह से ना सारी शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं आउटफिटर्स भी है यहाँ पे और इसके अलावा आपको आ, इसमें चंद वन की शॉप भी मिलेगी इसके अलावा बच्चों के भी एक दो ब्रांड्स हैं मशहूर लिटल डार्लिंग की भी आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे इसमें तो ये कि जो बेसिक जो ब्रांड्स है ऑलमोस्ट सब है यहाँ पे खाडी वगैरह नहीं है अभी फ़िलहाल और एथेनिक भी नहीं है लाइम लाइट को भी आपकी मिल जाएगी यहाँ से तो बस यहाँ से जो है ना मैंने आइडियाज़ में गई थी मैं वहाँ पे मैंने थोड़ा सा सर्च किया था और उसके बाद इस तरह के स्टॉल्स बैग्स वगैरह के भी काफ़ी जगह पर लगे हुए थे और उसके अलावा जुलरी के भी स्टॉल्स थे इस तरह से तो मतलब अच्छा बना हुआ था लेकिन ये कि काफ़ी सारी शॉप्स अभी इनकी हाल ही हैं मतलब वो अभी फंक्शनल भी नहीं है तो ये सईद दें की शॉप थी इसमें मैं फिर बाद में आई थी जब बच्चों को प्ले लैंड में छोड़ के फिर मैं आई थी तो मैंने यहाँ से लिया था अभी हम सिर्फ यहाँ से विज़ट करे थे और उसके बाद हम लोग ऊपर चले गए थे जो इनका प्ले लैंड है वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर में है वहीं पर फूड फूड कोर्ट भी है तो बस बच्चों का हमने कार्ड बनवाया था और उनको वहाँ पर छोड़ दिया था और वहाँ पे जो उनका प्ले लैंड था उसमें इनका वन आवर का टाइम था तो वन आवर के लिए हमने दोनों को छोड़ दिया था वहीं पे क्योंकि जो दूसरे टॉयस थे वो ज़्यादातर जो है ना वो ज़्यादा बड़े बच्चों के लिए थे तो इन दोनों के लिए सूटेबल फ़िलहाल वही वाला था तो हमने उनको वहीं पे छोड़ दिया था बस तो यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी इनके पीचर्स बनाई पर बड़ा अच्छा सा जो है ना इन्होंने सारा डेकोर किया हुआ था बड़े अच्छे से सारे टॉयस वगैरह लगाए हुए थे और बच्चों के लिए फ़न के लिए अच्छी जगह है नॉट बैड और थोड़े बड़े जो बच्चे मतलब टीन्स तक के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं अच्छी गेम्स हैं यहाँ पे लगी हुई तो बस इसके बाद जो इनका जो हम हमें लगता है सेफ एरिया वो प्ले एरिया जो है वो उसी को हम रखते हैं तो ये प्ले एरिया था ये इसमें ना थोड़ा सा मुझे जो लगा उसमें लाइटिंग कम थी मतलब तो उन्होंने लाइट्स बहुत कम ऑन की हुई थी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया था और ये थोड़ा सा डार्क डार्क लग रहा था तो यहाँ पे लाइटिंग कम थी बाकी बड़ा अच्छा बना हुआ था और यहाँ पे बस हमने इनकी एंट्री करवाई कार्ड से और फिर हमने इन दोनों को इंटर कर दिया था काफ़ी तो सारे आप भी देख सकते हैं और भी काफ़ी सारे जो है ना राइड्स बनी हुई हैं लेकिन इस तरह से डेंजरस राइड्स हम बच्चों के लिए करते नहीं हैं शायद को हमने छोड़ा सबसे पहले तो सारा जो है ना बॉल्स नीचे पड़ी हुई हैं तो वो बहुत ज़्यादा गिर रही थी बार बार क्योंकि उसको उससे बॉल्स के ऊपर चला नहीं जा रहा था तो लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी जो है ना यूज़ टू हो गई थी और उसके बाद फिर सेट हो गई थी थोड़ा तो बस ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारी इसमें स्लाइड्स हैं और उसके अलावा इसमें थोड़े सा ना बने हुए हैं इस तरह से हाउसेस वगैरह ट्रेम्पोलन भी है तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इन्होंने एक्सप्लोर कर ली थी यहाँ पे और बड़ा एंजॉय किया था अलीज़ा तो फिर भी कह रही थी कि मतलब नेक्स्ट टाइम हमने दोबारा जाना है तो बस मैंने वहाँ पे इनको छोड़ा और उसके बाद फिर मैं दोबारा आ गई थी नीचे और उसके बाद मैंने खाने का भी ऑर्डर दिया था और शहीद गली की शॉप में भी गई थी और सबसे फेवरेट जो मेरी प्लेस होती है वो है डॉलर स्टोर उसको भी मैं ज़रूर विज़िट करती हूँ अगर कोई काम की चीज़ मुझे मिले तो मैं ले लेती हूँ और यहाँ पे इतना खास था नहीं तो फिर मैंने वहाँ से कुछ नहीं लिया था और उसके बाद ये है जी यहाँ पे चनयारी की ब्रांड की आउटलेट उस पर मैंने थोड़ा सा विज़िट किया था उस पर मैंने देखी है यहाँ पे मोस्टली शर्ट्स थी खदर की लेकिन मुझे जो है ना कॉर्स पसंद है ज़्यादातर या टू पीस पसंद है तो इनके पास जो स्टिच में था मोस्टली शर्ट्स थी या फॉर्मल्स थे और उसके बाद जो है ना मैं गई थी सही दुकानी पर वहाँ से जो मैंने शॉपिंग की थी वो मैंने एक कर, कर ली थी इस पॉइंट पे और उसके बाद जो है ना मैंने फूड ऑर्डर कर ली थी हम लोगों ने बस खाना खाया था यहाँ पे बच्चों के लिए नगेट्स और फ्राइज़ लिए थे मैंने तो ये था जी आउटिंग का व्लॉग हमारा उम्मीद है आपको पसंद आया होगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग